I had gone for a party with my best friend, you know, and there was an HIV testing kiosk over there, run by an NGO. तो हमने सोचा चलो ऐसी टेस्ट करा लेते हैं, देखते हैं. And my friend, he tested positive. और मेरा नेगेटिव आया. पर मैं बहुत डर गया उसके बाद, बहुत घबरा गया. इतना कि मैं घर के अंदर ही रहने लगा. Yeah, I just stopped having sex. Because condom का क्या भरोसा? Actually, मेरे अंदर भ्रम बैठ गया कि मैं जिससे भी मिल रहा हूँ ना, वो HIV positive है. इसलिए मैं बार बार टेस्ट कराने जाने लगा. मेरे डॉक्टर ने मुझे ऐसे देखा तो प्रेप इस्तेमाल करने की सलाह दी. बोला कि कॉन्डम के साथ इस्तेमाल करना है, एडेड सेफ्टी है, मैं और ज़्यादा सेफ महसूस करूँगा. एंड ही टुक माइनर ब्लड टेस्ट्स एंड किडनी टेस्ट्स एंड आई स्टार्टेड यूजिंग प्रेप. आई वाज सो कॉन्फिडेंट. मुझे ऐसा लगा मेरी स्टीयरिंग वापस मेरे हाथ में थी. डॉक्टर ने मुझे समझाया टू यूज प्रेप रेगुलरली, उसी से वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा. मुझे एडवाइस किया कि प्रेप अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर नहीं करना है. दो माई फ्रेंड्स वर रिलक्टेंट अबाउट द साइड इफेक्ट्स, बट आई कुड रिस्क सम माइनर साइड इफेक्ट्स बिकॉज वो इतनी बड़ी चीज़ HIV से मुझे बचा रहा था. सो आई वुड जस्ट से टू माई कम्युनिटी, जिनकी ऐसी लाइफस्टाइल हो, टू स्टार्ट यूजिंग प्रेप. इट रियली चेंज्ड माई लाइफ. To know more about PrEP, visit prep.yesforme.net. PrEP regularly use करें और अपने डॉक्टर की सलाह जरूर माने. PrEP आपको सिर्फ HIV से सुरक्षित कर सकता है, STIs या प्रेगनेंसी से नहीं. PrEP के साथ आप कॉन्डम्स भी जरूर यूज करते रहें. In this line of work, हर तरह के लोग मिलते हैं एंड हर चीज के लिए रेडी रहना पड़ता है. स्टेल्थिंग, कॉन्डमलेस सेक्स के लिए एक्स्ट्रा मनी का ऑफर, एंडलेस बार्गेनिंग एंड ऊपर से HIV का डर. कम से कम इनमें से एक चीज तो मैंने अपने लिए सॉर्ट आउट कर ली है. आई हर्ड अबाउट प्रेप फ्रॉम माई फ्रेंड, वो भी सेम काम करती है. प्रेप के बारे में उसे एक NGO से पता चला. इट वॉज जस्ट वॉट आई वॉज वेटिंग फॉर. आई मीन अपनी सेफ्टी के लिए किसी और पे क्यों डिपेंड करना? बस टेक योर प्रेप, मेक श्योर दे वेयर अ कॉन्डम एंड यूर डन. मेरी फ्रेंड ने मुझे एक डॉक्टर के पास भेजा. आई गॉट अ प्रिस्क्रिप्शन. कुछ साइड इफेक्ट्स थे लाइक नोजिया, बट एक हफ्ते बाद आई वॉज एब्सोल्युटली फाइन. अगर कोई डॉक्टर से मिले बगैर प्रेप लेने की सोच रहा है तो दैट्स अ वेरी बैड आइडिया. मेरे वर्क टाइमिंग्स थोड़ा इधर उधर हो सकते हैं, इसलिए मैंने तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल मेंटेन किया. आई टेक माई प्रेप विद माई चाय एवरी मॉर्निंग, नेवर मिस इट. I feel free from worry now. जैसे सेफ्टी की एक एक्स्ट्रा लेयर. सिर्फ कॉन्डम्स, नॉट श्योर. ओनली प्रेप, STI से डर. बट कॉन्डम प्लस प्रेप बिल्कुल सेट है बॉस. टू नो मोर अबाउट प्रेप विजिट prep.yesforme.net. प्रेप रेगुलरली यूज करें एंड फॉलो योर डॉक्टर्स एडवाइस. प्रेप आपको सिर्फ HIV से सुरक्षित रखता है, STIs या प्रेगनेंसी से नहीं. प्रेप के साथ कॉन्डम्स भी डेफिनेटली यूज करें. तीन साल पहले इन अ रूटीन ब्लड टेस्ट हमें पता लगा कि ये HIV पॉजिटिव है. ऑब्वियसली मैं शॉक थी और ऊपर से टाइम भी ऐसा था कि हम लोग अपना फर्स्ट बेबी प्लान कर रहे थे. बहुत बुरा टाइम था. आई फेल्ट रियली होपलेस. फिर हम एक स्पेशलिस्ट, एक डॉक्टर से मिले जिन्होंने सबसे पहले हमें प्रेप के बारे में बताया. इन द बिगनिंग मेरे मन में बहुत कुछ चल रहा था. व्हाट इफ प्रेप के बावजूद मेरी वजह से शी बिकम्स पॉजिटिव? एक पेरेंट को तो ऑलरेडी HIV है, रिस्क कैसे लेते?
पर फिर डॉक्टर ने बताया कि मेरे हस्बैंड का वायरल लोड अनडिटेक्टेबल होने के बाद ही मुझे प्रेप स्टार्ट कराएंगे। इट वाज रियली इंपॉर्टेंट टू बी वेरी रेगुलर। वो एक भी डोज मिस नहीं कर सकती थी, मतलब एक भी नहीं। एंड फाइनली वी कंसीव्ड। कंसीव करने के बाद डॉक्टर की गाइडेंस के अंडर प्रेप वाज स्टॉप्ड एंड माय बेबी वाज बोर्न। दैट शुड सब नॉर्मल है। माय वाइफ एंड माय बेबी दोनों हेल्दी हैं। And the baby is HIV negative. हमने ऐसा टाइम देखा है ना, मैं कभी सोचती हूँ तो बिलीव नहीं होता कि सब कुछ कितना नॉर्मल है। We are like any other family now. अगर हमारे प्रेप के बारे में बात करने से एक भी इंसान HIV से बच सकता है और अपनी फैमिली शुरू कर सकता है तो आई फील कि हमने कुछ अच्छा ही काम किया अपना एक्सपीरियंस शेयर करके। To know more about PrEP, visit prep.yesforme.net. PrEP regularly use करें and follow your doctor's advice. PrEP आपको सिर्फ HIV से सुरक्षित रखता है, STIs या pregnancy से नहीं. Always use condoms with PrEP unless you are trying to conceive. HIV positive partner should be on ART and virally suppressed before you have sex. Taking PrEP is additional protection for a negative partner. सही चल रही थी लाइफ, लॉट्स ऑफ फन, लॉट्स ऑफ गर्ल्स, कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन, कभी पेड कभी नॉट। बस एक बीटी थी, क्योंकि हर लॉन्ग लिस्ट ऑफ अचीवमेंट्स के पीछे एक रिस्क फैक्टर होता है। आई ऑब्वियसली न्यू HIV का रिस्क बहुत है, मतलब काफ़ी ज़्यादा ब्रो, एंड समवेयर इट स्टार्टेड टू अफेक्ट माई परफॉर्मेंस एज वेल। सो आई डिसाइडेड टू गेट माई सेल्फ टेस्टेड फॉर HIV। इवन द डॉक्टर दैट आई फाउंड वॉज एट दी अदर एंड ऑफ द सिटी, ताकि कोई रैंडम अंकल आंटी ना मिल जाए। उस डॉक्टर ने मेरी पूरी बात सुनी और बोला आई शुड थिंक अबाउट गेटिंग ऑन प्रेप। बस ट्राई किया, इट मेड सेंस। सो नाउ आई एम ऑन प्रेप। इसके साथ ऑन ऑफ नहीं कर सकते, कमिटमेंट ज़रूरी है, पूरे टाइम लेना पड़ता है, और सिर्फ डॉक्टर के कहने पर स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हो, बिकॉज यू हैव टू बी रेगुलर एंड केयरफुल। In fact, condom ke saath toh double protection, totally worth it. To know more about PrEP, visit prep.yesforme.net. PrEP regularly use karein aur apne doctor ki salah zarur maanein. PrEP aapko sirf HIV se surakshit kar sakta hai, STIs ya pregnancy se nahi. PrEP ke saath aap condoms bhi zarur use karte rahein. चौबीस साल का विनोद, दरभंगा से दिल्ली तक का रास्ता लंबा था, पर अब चाचा का घर और अच्छी खासी नौकरी। बहुत मेहनत कर रहे हो। बस गुजारा निकल जाता है। गुजारा या फिर नशा और घपाघप? बहुत शरीफ हैं हम। लगते तो शरीफ हो, पर लाइफ में वैरायटी पसंद है ना? देखिए बहुत तो आएंगी बहुत तो जाएंगी, पर हमारी वाली हमारी अम्मा ही लेके आएंगी। सेफ करते हो ना? बिल्कुल सर, सटा सट सेफ्टी। गजरे और नशे का कॉम्बिनेशन हमेशा सेफ नहीं होता बरखुरदार। कंडोम तो है ना? एक अनसेफ कांड से भी HIV हो सकता है। टेस्ट करा लो, अगर HIV हुआ भी तो ट्रीटमेंट सही है अब तो। अरे पर समय कहाँ है, हमारी 8 घंटे की तो ड्यूटी है यहाँ पर। अरे होम कलेक्शन भी हो जाता है। अरे हमारे चाचा वचा सवाल पूछेंगे अब। नहीं ठीक है, तो फिर खुद से सेल्फ चेक कर लो, टाइम भी बचेगा। सेल्फ टेस्ट HIV सेल्फ चेक बिल्कुल आसान है। ओरल ब्रश अपने मसूड़ों पर कम से कम 2 बार मलें। ब्रश को टेस्ट फ्लूइड में 6 से 8 बार डुबाएं। टेस्ट स्ट्रिप को फ्लूइड में डालकर 20 मिनट के बाद खुद रिजल्ट देखें। पॉजिटिव स्क्रीन होने पर याद रखें, ये सिर्फ एक स्क्रीनिंग है, डॉक्टर के पास जाएं। टेस्ट नेगेटिव आने पर भी हर 6 महीने में टेस्ट करें। हमेशा कॉन्डम इस्तेमाल करें, सिर्फ स्टेराइल इंजेक्शन यूज करें और प्रेप लें। HIV सेल्फ चेक, पूरी प्राइवेसी, नो टेंशन। HIV सेल्फ चेक बिल्कुल आसान है।
ओरल ब्रश अपने मसूड़ों पर कम से कम 2 बार मलें। ब्रश को टेस्ट फ्लूइड में 6 से 8 बार डुबाएं। टेस्ट स्ट्रिप को फ्लूइड में डालकर 20 मिनट के बाद खुद रिजल्ट देखें। पॉजिटिव स्क्रीन होने पर याद रखें, ये सिर्फ एक स्क्रीनिंग है, डॉक्टर के पास जाएं। टेस्ट नेगेटिव आने पर भी हर 6 महीने में टेस्ट करें। हमेशा कॉन्डम इस्तेमाल करें, सिर्फ स्टेराइल इंजेक्शन यूज करें और प्रेप लें। HIV सेल्फ चेक, पूरी प्रिवेसी, नो टेंशन।